हम दोनों को देख के इतनी कि जवानी में बुढ़ापा आ गया है ने, दुखती बुढ़ापा रथ हमारी दुखती रह गया वो हमारी कैसा लग रहा है आप, आपके ऊपर पिक्चर बनी है? काम बैरे करके सहन शक्ति करके सुनो गए लगी रही तन बुढ़ा हो जा मन बुढ़ा नहीं होता। आज हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ में दो बहुत ही कमाल के चैंपियंस हैं इंडिया के, और उनको जो प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पे सांड की आंख, दे आर टू ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस दैट वी हैव। हमारे साथ में है प्रकाशी जी एंड चंद्रो जी। और खुशी होने का मौका दे दो मुझे फरीद, उनका भी तो हमने एक दूसरे को लुक भी दी, लुक भी रिस्पेक्टिवली होता है, पहले मैंने जिक्र किया विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसके बाद फिर आपका, तो इट्स रिस्पेक्टिवली, जैसे इट इज रिस्पेक्टिवली। रियल लाइफ चंद्रो और प्रकाश, और ये रियल लाइफ चंद्रो, रियल लाइफ हीरोज एंड रियल लाइफ हीरोज व्हिच आर एज गुड एज रियल लाइफ हीरोज। अरे क्या इंट्रोडक्शन दिया, मैं तो ह्यूज फैन आप चारों का। चलो लेट्स मेक इट ओके। चंद्रो जी कैसा लग रहा है आपके ऊपर पिक्चर बनी है, आप दोनों के ऊपर? घना बढ़िया लगा, घना अच्छा। सांड की आंख, सांड की आंख मेरा कहना यही है। और जो है पोती को लेकर, मुझे पोती को लेकर मौका मिला खिलन का, शेपाली नाम की पोती। और जो है घर को ने रोके, बाहर को ने भी धजिया उड़ाई, जो कह रहे तो कह रहे, कान बैरे करके सहन शक्ति करके सुनो गए लगी रही। क्या बात है प्रकाशी जी, आपने सत्यमेव जयते जो शो था आमिर खान का, जहाँ से आप लोगों को देखा गया सबसे पहले, और आपके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने डिस्कवर किया, तो उसमें आपने एक बहुत ही आपने कमाल की आपने बात कही थी कि दैट तन बुढ़ा होता है, तन बुढ़ा हो जा मन बुढ़ा नहीं होता, बहुत बड़ी बात आपने कही थी, और बहुत अच्छा लग रहा। जो भी सांड की आंख दिखाई जाओगी तो बहुत खुशी मिल रही। आपको ऐसा कब कैसे आया दिमाग में ये बात कि तन बुढ़ा होता है मन बुढ़ा नहीं होता, आपको ऐसा ये ख्याल कब आया दिमाग? बड़े बड़े लोग कहते आए बड़े बड़े लोग कहते हैं अरे वाह, तो आपने ये अमल कर लिया अपनी लाइफ में। सो दे आर द लिविंग एग्जांपल्स ऑफ दैट बिग सेइंग, काफी भी से ना, एज इज जस्ट अ नंबर। एब्सोल्युटली, आई थिंक दे आर लिविंग एग्जांपल्स ऑफ दैट फैक्ट कि एज इज जस्ट अ नंबर। एब्सोल्युटली, सो हियर वी आर विद दैट देयर वंडरफुल स्टोरी। राइट, ये है कि जो आदमी कामचोर होगा वो कभी इस काम को कर नहीं सकता, जो आदमी करना चाहेगा वो बुढ़ा भी हो जब भी इस काम को कर सके, इसलिए कहें तन बुढ़ा हो जा मन बुढ़ा नहीं हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही कमाल की बात कही आपने। भूमि, आपने, मैं आपका वीडियोस देख रहा था तो उसमें आपने कहा था कि आपको करते टाइम पे आपको बहुत ही ज्यादा आप इमोशनल हो रहे थे कि जिस तरीके का इनकी इनकी जर्नी है, बहुत ही आपके लिए अलग किस्म का तजुर्बा था, कंसिडरिंग आपने काफी फिल्में अब तक कर चुकी हैं आप, तो कुछ बताना चाहेंगे दैट क्या ऐसा था जो कि यू नो, एक तो इन्होंने जो एक ऐसी एज में उन्होंने एक चीज अचीव करी जहाँ पे लोग रिटायरमेंट ले ली, और यू नो एट से भी अगर बढ़ के आप इनकी जिंदगी देखें, द टाइप ऑफ लाइफ दैट दे हैव लिव्ड, यू नो एक बहुत ही अलग संसार है, इतने सारे बच्चे, इतना बड़ा परिवार, यू नो कभी इतना एक्सपोजर नहीं रहा है, लेकिन तभी बहुत ही फुलफिल्ड लाइफ रही है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म के साथ काटी है। यू नो कभी उनको ये नहीं लगा कि कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं लगी, हंसते मुस्कुराते उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काटी है, यू नो एंड फिर एक ऐसे मुकाम पर, एक ऐसे एज पर आके इतनी बड़ी चीज़ करना, जब आपके पास कोई एक्सपोजर नहीं है, फिर आप इस बड़ी दुनिया में अकेले निकलते, आप ये सोचिए इनका करेज कितना होगा। यू नो ये जो यूथ है, जो मेरे उम्र के लोग घबरा जाते हैं नए एक्सपीरियंसेस से, यू नो और एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, उन्होंने एक पूरी अपनी लाइफ का नया चैप्टर रीस्टार्ट किया। और कहते हैं ना, एक लिटरली एट द एज ऑफ 60-65 जब उन्होंने वो बंदूकें उठाई और समाज के इतने पेट्रियार्की को इतने हद तक उन्होंने तोड़ा, इतना बड़ा एग्जाम्पल बने कि आज इनके आसपास के कितने अराउंड मोर देन 50,000 पीपल दे अपलिफ्टेड। यू नो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है एज, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डील है कि उन्होंने एक एज के पड़ाव को तोड़ा, लेकिन उन्होंने एक सोसाइटी के पड़ाव को तोड़ा, एक ऐसे संसार में जहाँ पे औरतों का कुछ ऐसा अचीव करना एक ऑप्शन भी नहीं है, उसमें ये अचीव करना अपनी बेटियों के लिए, अपनी ग्रैंड डॉटर्स के लिए, यू नो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, आई थिंक ये कहानी ही इसलिए बनी है।
बिल्कुल चंदू जी, आपकी मुस्कुराहट बहुत बहुत खूबसूरत है। ये खुद भी बहुत खूबसूरत है कि क्यूट सी है चंदू दादी। बुड्ढा हो मन बुड्ढा नहीं होता दादी की सही वही है, मेरा ये कहना है मुझे बहुत अच्छा लगा। यूथफुल ट्विंकलिंग इन हर आईज, एग्जैक्टली व्हाट द यूथफुल ट्विंकल इज एग्जैक्टली व्हाट दैट पोर्ट्रे इन द फिल्म। अच्छा चंदू जी, आप मुझे ये बताइए, जो किरदार आप लोगों के निभाए हैं तापसी ने और भूमि ने, आप खुश हैं उससे? एकदम सच सच बताइए। बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा, बहुत अच्छे निभाए और बहुत ही ज्यादा खुश हैं। एक्चुअली इन्होंने देख लिया पिक्चर, हमने नहीं देखी है, भूमि ने थोड़ी सी देखी है, मैंने तो देखी ही नहीं है। हमने अच्छा, देख लिया, इन दोनों ने देख। आपको लगता है कि एकदम बिल्कुल सच इन्होंने सामने रखा है? हाँ ऐसा लगता है, इतनी मेहनत इन्होंने कर रखी शायद कोई कर नहीं सकता। क्या बात, इस बुढ़ापे की मैं। क्या बात है? पता हमें याद है, हम शूट कर रहे होते थे, दोनों दादी हम दोनों को देख के इतनी कि जवानी में बुढ़ापा आ गया है, इतने अच्छे से कर रहे हैं फुल टाइम की तुम ये खा लो तुम वो खा लो, मतलब उनको लगता था इतनी मेहनत कर रही है ये बेटियां। बहुत ज्यादा मेहनत। हम बोलते थे कि आपने इतनी लेजेंडरी चीजें अचीव की है, हमारी मेहनत तो बहुत अगर एक भी स्वेट का अगर उसमें ड्रॉप आता था तो आप लोग नहीं, बट बहुत मुश्किल था यार, बहुत, बिकॉज एक तो वेदर इतना एक्सट्रीम था फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ में, सेकेंडली आपकी स्किन एवरी डे, आप इतना यू नो मेकअप एक टेक्निकल डिफिकल्टी थी, यू नो जो बाकी चैलेंजेस थे आई वोंट से डिफिकल्टी वो और ही थे, बट आई थिंक मेकअप वाज अ टेक्निकल डिफिकल्टी। इतना सहारा था ना जब हम जोड़ी में शूट कर रहे थे, क्योंकि हम दादियों के ही घर में जो उनका पहले जहाँ रहते थे उनका घेर था वहाँ शूट कर रहे थे, और मतलब ऐसे होता था कि ब्रेकफास्ट भी वहाँ से आ रहा है, लंच डिनर फरमाइशें जा रही है। देखो भूमि ने बोला तू जब तक वापस आएगी ना तेरी वहाँ पे मूर्ति की स्थापना हो जानी चाहिए उस गांव के अंदर, कि तापसी वहाँ रह रही थी, दादी के साथ रह रही थी, तो डेढ़ महीना मैं इनके साथ रही हूँ इनकी। तो हमने कहा जब भी हमें कोई परमिशन वगैरह लगती है, उनका तापसी जरा बताना अपने गाँव अपने भाई बहनों को कि हमें ये परमिशन की जरूरत है, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट कहीं से आता था, लंच कहीं और से आता था, डिनर कहीं और से आता था, वहीं उसी गांव के किसी ना किसी घर से आता था, क्योंकि वो इतना प्यार दे रहे थे वहां पे सारे कि उसका था जो आपको चाहिए बताओ हम बना के देंगे, तो फिर हम चूज कर लेते थे ठीक है आज ब्रेकफास्ट यहाँ से, फिर प्रकाशी दादी के घर जाके हम लंच कर लेते थे, फिर डिनर कहीं और से आ जाता था, तो वहां पे तो मतलब ऐसा था कि हमने मोर देन होम हम अब सेटल हो चुके थे। या कि प्लीज दादी आज आलू गोभी बना दो, कटहल। लिटरली आई एम नॉट जोकिंग, जब हम जाते थे शेड्यूल हो गया था कि प्रकाशी दादी के हॉल में हमारा टेबल बिछा होता था, हम आते थे उनका पूरा परिवार आके हमारे साथ बैठता था, मैं परिवार आई डोंट मीन लाइक 1-2 पीपल, वी लाइक 15-17 पीपल, और इतने प्यार से हमें खाना खिलाया जाता था, इतने मतलब ये स्पून भर भर के मक्खन, और इट वाज लग्जरी, इट वाज ट्रू लग्जरी। अरे उनके खेतों से फ्रेश चीजें उगती थी ना, वो उखाड़ के लाके वो बनती थी। बताइए कमाल किसके पास। यार चंद्रो जी आप ये बताइए कि बेटा मेरे परिवार में तापसी इतनी बढ़िया रही, बहुत ही अच्छी रही, मिक्स बन के रही, मिक्स बन के मेरे बच्चों की गए, क्या बात, बहुत क्यूट है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे बेड पे सोई डॉल, मेरे बेड पे सोई। अच्छा दादी ने अपना बेड खाली कर दिया और मेरे लिए किचन में मन मन सामान जो भी चाहा।